मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक, नियतवाद या निश्चितवाद। उसमें नियतवाद की या निश्चितवाद की जो आलोचनाएं हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई हैं, उसका विश्लेषण करेंगे। निश्चयवाद का प्रभाव यद्यपि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भौतिक भौगोलिक साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस विचारधारा की मान्यता में कमी आने लगी। मनुष्य की भूमिका का महत्व मिलने लगा, मानव को सर्वोपरि माना रख जाने लगा। इस विचारधारा को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों ने एक पक्षीय विचारधारा माना। प्रकृति के सक्रिय योग को अतिशयोक्ति और मानव द्वारा समायोजन के प्रयासों को उदासीनता मिलने लगी। इसी तरह से नियतवाद की विचारधारा में धीरे धीरे प्रकृति को छोड़कर मानव केंद्रित होने लगी और अनेक विद्वानों ने इस विचारधारा में को की कमी बताने लगे। प्रकृति के सक्रिय योगदान को अतिशयोक्ति और मानव द्वारा समायोजन के प्रयास को उदासीन व निष्क्रिय कहा जाना एक पक्षीय तर्क है। नियतवादी विचार को द्वारा प्रस्तुत तर्क संतुष्टिपूर्ण नहीं है। मानव के अनेक कार्यों से कई तथ्यों का ज्ञान होता है जिनका संतोषप्रद उत्तर वातावरण प्रभाव में नहीं मिलता है। मानव ने अभूतपूर्व खोज, शोध, अन्वेषण, वैज्ञानिक विधियां द्वारा प्रकृति की जो परिस्थितियां हैं प्रतिकूल, उन पर निरंतर विजय पाई और नियतवाद को तर्कसंगत न मानते हुए कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, जिसके निम्न बिंदु निम्न प्रकार हैं। समान भौगोलिक दशाओं में भी भिन्न भिन्न संस्कृति पाई जाती हैं। जैसे टुंड्रा जलवायु में एस्किमो, लैम्स, चुकीची, सेमक आदि जनजातियों के रहन सहन क्रियाकलापों में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार से घायल के खासी गारो जयंती की, मेघालय की गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों में वातावरण दशाएं मिजोरम की लुसाई जाति से मिलती जुलती है, पर इनकी खान पान, रहन सहन, शारीरिक संरचना, स्वभाव आदि में अंतर है। अतः संस्कृति वातावरण से पूर्णतः नियंत्रित नहीं होती है। समान भौतिक दशाओं में मानव का विकास समान नहीं है। जैसे कांगो और अमेजन बेसिन में उतना विकास नहीं हुआ जितना इंडोनेशिया, मलेशिया में दिखाई देता है। अतः विकास हेतु बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो मानवीय पक्ष का उद्योतक है। तीसरा है कृषि कार्य। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्रभावित होता है, परंतु उत्तरी उच्च अक्षांशों में गेहूं की कृषि, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गेहूं, जौ, जैतून आदि की कृषि, मरुस्थलीय भेड़ क्षेत्रों में भी कृषि का उपयोग, उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मानव ने प्रकृति को भी बदलने कर उसमें जो है प्राकृतिक वातावरण का भी जीत पा ली है। उद्योगों की स्थापना मानव संबंधी नीतियों से प्रभावित होती रहती है, न केवल प्राकृतिक संसाधनों से। जैसे कनाडा के दक्षिणी ओंटारियो में अधिक औद्योगिक विकास का कारण कनाडा की कर नीति, न कि भौतिक वातावरण। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मोटर कार निर्माण केंद्र डेट्रॉइट में, रबड़ निर्माण केंद्र एकर्नन, वायुयान लॉस एंजल में होना किसी भौतिक वातावरण का प्रभाव नहीं है, बल्कि मानव की चॉइस है। संसार में महानगरों का स्वरूप मनुष्यों ने निश्चित किया है, न कि वातावरण ने। विश्व में कई महानगरों की अवस्थिति तटीय और आंतरिक भागों में मानव द्वारा चयनित है। जनसंख्या का वितरण मानव कारकों से प्रभावित होता है। ऑस्ट्रिया में केवल गोरे लोगों का निवास, चीन में पूर्वजों की कब्रों की पूजा कारण प्रवास न करना आदि है। सभ्यताओं के विकास के लिए केवल उपयुक्त जलवायु ही प्रमुख कारक नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां भी सभ्यताओं का विकास करती हैं। प्राचीन कालीन मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान तथा इनका सभ्यता एंडीज के पहाड़ों में उच्छित हुई। इस प्रकार अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की प्राचीन एवं आधुनिक जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु विकास में अंतर पाया गया।
स्पेट ने वातावरण निश्चयवाद को दुराग्रहपूर्ण विचार करते हुए कहा कि मानव बिना वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं है, वातावरण अकेला अर्थहीन है। हार्डसोन ने भी निश्चयवाद को नकारते हुए कहा है कि विचार प्रकृति को मानव से पृथक करना है, भूगोल की आधारभूत एकता को छिन्न भिन्न करने का विचार है। क्रिस्टोफर ने प्राकृतिक अवसरों और मानव के कार्यों में कारण संबंध का वर्णन करते हुए लिखा है कि मानव कोई स्वचालित यंत्र नहीं है, जिसकी स्वयं की कोई इच्छा शक्ति नहीं है। प्रकृति कभी तो उसे वातावरण के अधीन पाती है, तो कभी उसे वातावरण में उदासीन पाती है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि प्रकृति एवं मनुष्य अंतर संबंधित है, किंतु कहाँ किसी किसका नियंत्रण कमजोर समाप्त होता है, यह देश काल और मानवीय गुणों पर आधारित है। अतः प्राकृतिक जो प्राकृतिक सर्वोपरि नहीं है, बल्कि मानवीय छांट भी महत्व रखती है। इस तरह से निश्चयवाद का अनेक विद्वानों ने उसकी आलोचना की है।